हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और आज बहुत दिनों के बाद आप मुझे कहीं पे देख रहे हैं ना, नई जगह पे। जी हाँ, मैं आ गई हूँ अपने किचन में। आज मेरा मन करा कि मैं अपने किचन में आकर थोड़ा सा कुछ काम करूँ, किचन में खाना बना पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी बाहर का टिफ़िन खाना खाकर। और हस्बैंड भी और बच्चे भी सब बहुत परेशान हो गए थे। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज है 15 फरवरी, जिस दिन मैं अपने ऑपरेशन के बाद इतने दिनों बाद आज इतने अपने किचन में आई हूँ। और सबसे बड़ी बात, पहली बार मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो बिल्कुल जैसे नई बहू नहीं होती है, कुकिंग करती है तो उसको वो फीलिंग होती है कि पहली बार कुकिंग कर रही हूँ, वैसी फीलिंग आ रही है मुझे। और बहुत खुशी भी हो रही है क्योंकि मेरे को अपना किचन वापस मिल गया है। अभी परमानेंट नहीं कह सकती हूँ कि परमानेंट मिल गया है, मैं दोनों टाइम पर खाना बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, पर आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ज़रूर ट्राई किया है अपने ऑपरेशन के बाद। तो मैंने आज बनाई है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, उसमें आलू और मटर डाली है मैंने, और आटा भी गूंदा है। उसकी मैं रोटी या पराठा, जो भी कहेंगे बच्चे या हस्बैंड, वो बनाऊंगी। और बहुत अच्छा लगेगा मुझे, इतने दिनों बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी और ख़ुद भी अपने हाथ का खाना खाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा। और क्या बोलूँ, बस बहुत खुश हूँ। तो अपने किचन में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर मैं बैठी हूँ स्टूल पर, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर स्टूल पर बैठी हूँ और ये है मेरा वॉकर। तो वॉकर में अपने रखा हुआ है मैंने अपने सहारे के लिए। और सब्जी दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाई है, लग रही है। तो ये देखिए, ये है पत्ता गोभी, जिसको भुनने में भी अच्छा खासा समय लगेगा और लग रहा है भी। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए, मैंने आटा गूंद के रखा है, ये है आटा गूंद के रख दिया है। तो जब क्या कहते हैं, रोटी या पराठा कुछ भी सेकना पड़ेगा तब मैं सेक दूँगी। तो ये देखिए हमारी सब्जी। और मैं अपना अभी कुछ आज कुछ और ज़्यादा वैरायटी मतलब नहीं बना रही हूँ, बस यही चीज़ है, एक सूखी सब्जी है और ये रोटी पराठा या जो भी कहेंगे वो बना दूँगी। और मैं ये कहना चाहती थी कि किचन की हालत बिगड़ गई है थोड़ी, जो सामान मैं जैसे रखती हूँ वैसे कुछ भी नहीं है। अभी मेरे को सफाई वही धीरे धीरे करवाना पड़ेगा और धीरे धीरे मुझे अपना किचन अपने तरीके से मिलेगा, टाइम लगेगा उसमें। और अब मैं अपना किचन छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं कल भी देखो, कल इसीता स्कूल जाएगी, कल स्कूल खुल गए हैं उसके। और हम यहाँ पे तो अभी 2-3 दिन से हमारे यहाँ सब बीमार फिर से पड़ गए थे, हस्बैंड भी, उनके भी वॉमिटिंग, एसिडिटी, पेट में दर्द, सब कुछ हो गया था। बाहर का खाना जो है ना, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। इसीता को भी हो गई फूड पॉइजनिंग, मुझको भी हो गई और अथर्व को भी हो गई। मतलब समझ लीजिए कि बाहर का जो टिफ़िन वाला खाना आ रहा था वो किसी को भी हमारे यहाँ घर में सूट नहीं करा और सब एक एक करके बीमार पड़े हैं। और एकदम से कल तो ऐसा टाइम आ गया था कि दोनों तीनों बच्चे, मतलब हस्बैंड और ये सब बीमार पड़े थे परसों। हाँ, तो बहुत टेंशन हो गया था कि कैसे अब मतलब होगा, घर मैनेज होगा कैसे हो? क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाने से तो आप जानती हैं ना कि हालत ख़राब हो जाती है पूरे घर परिवार की। थोड़ा सा मेरे को अपना ताकत महसूस हुई है पैरों में। जो फिजियोथेरेपी वाले भैया हैं वो बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, और मैं उनको अवध हॉस्पिटल जिससे मैंने अपना ऑपरेशन करवाया था वहीं से ही बुला रही हूँ। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं वो और अच्छे से काम, अपना ड्यूटी जो होती है ना वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। मतलब अच्छे से एक्सरसाइज करवाना, सिकाई करना, मशीन लगाना, जो भी जितनी भी चीज़ें प्रोसीजर होती हैं फिजियोथेरेपी का, वो सब निभा रहे हैं वो। तो कहने मतलब है, तो मेरे को अपनी शरीर में ताकत महसूस हुई है, पैर में जान महसूस हुई है, उसमें भी ताकत महसूस हुई है कि मैं खड़ी हो सकती हूँ थोड़ी देर के लिए, तभी मैंने आज ये स्टेप उठाया है। तो सब्जी और रोटी आज ये शुरुआत करी है, कल देखते हैं दोपहर में क्या बनाती हूँ, मैं क्या खाती हूँ। और शाम को मैं बच्चों को जब अपने खाना दूँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी इतने टाइम बाद। मैं जानती हूँ मतलब किस तरीके से मैं अपना परेशान हो गई थी, ये बाहर का खाना मेरे बच्चे खा रहे थे, किस तरीके से उनको दिक्कत हो रही थी, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अब मैं अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा कर करके जो मैं वो चाहते हैं बनाने के लिए कहना वो करके बनाऊंगी। तो चलिए, मिलती हूँ अभी आगे, फिर जब खाना वाना बनाऊंगी ना और आगे बच्चों को दूंगी तब फिर आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा घर का अमृत,
मेरे हाथ का बना हुआ पराठा और पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जो कि मैं बहुत मतलब महीना सवा महीने बाद मैं खा रही हूँ। और आज मैंने ये बनाया है, बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड ने गरम गरम खाना खाया है, इसिता ने, और मुझे बहुत दिल को तसल्ली पड़ी कि इन लोगों को मैंने आज बना के खिलाया है। तो अब मैं ये खाने जा रही हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आज मेरे को कितनी खुशी हुई है कि आज मैंने अपने हाथ से खाना बनाया और हम लोगों को घर का खाना नसीब हुआ। इतने दिनों से हम लोग तरस गए थे, बिल्कुल भी घर का खाना खाने के लिए मिल नहीं रहा था। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रोज़ ही बनाऊँगी, अब देखते हैं कि तबीयत कैसी रहती है मेरी, उसी हिसाब से काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया कि मैंने आज बहुत दिनों बाद खाना बनाया है अपने हाथों से अपने परिवार के लिए। और इधर तो मतलब समझ लीजिए हम लोग खाना, घर का खाना खाने के लिए एकदम से परेशान हो गए थे। बहुत ही एकदम से एक तड़प सी आ रही थी खाना खाने के लिए घर के। तो अब इस समय जो आज मैंने बनाया है तो इसको मैं खाने जा रही हूँ, इंजॉय करने जा रही हूँ। और कोशिश करूँगी कि अब मैं रोज़ बना पाऊँ, क्योंकि अब आज तो मेरी तबीयत सही थी, अब मुझे कल का नहीं पता कि कैसी रहेगी, पर अच्छी रहेगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी अपने हाथ से ही अपना घर का खाना। और अब मैं घर का ही खाना, मेरे बच्चे और हस्बैंड सब खाना चाहते हैं, तो हम लोग तो समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इस समय तो ये खाना ही हम लोगों को नॉर्मल सा खाना एकदम अमृत लग रहा है। इसीता तो कह रही है कि मम्मी ऐसे तो मैं आपको परेशान करती थी, ये बनाओ वो बनाओ, पर आज तो ये खाना आपके हाथ का बना हुआ इतना अच्छा लग रहा था कि मैं तो बस खाती चली गई। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे और मेरे परिवार को, आत्मा उनकी तृप्त हुई गर्म गर्म खाना खाने से, उनको अच्छा लगा। बहुत समझ लीजिए महीना सवा महीना हो गया था गरम खाना नहीं खा पाए थे, और घर का खाना। तो चलिए खाना खाते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सिंपल सा व्लॉग था कि आज मैंने एकदम से खाना बनाया इतने समय बाद, तो मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी है, मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय बाय।